की सारी जानकारी एक जगह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, और वो जो निष्कर्ष होते हैं वो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उस विषय को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इसी तरह से आप समाचारों में जाएंगे तो समाचारों का जो संदर्भ है, समाचार घर बैठे पूरी दुनिया से एक व्यक्ति या एक संस्था के लाना बस की बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास कितने सारे हैं, कुछ तो हमारे पास पार्ट टाइम संवाददाता हैं, कुछ संवाददाता हैं हर एक समाचार पर दूरदर्शन आकाशवाणी के, जो भी हमारे पास मीडिया हैं इनके, वो समाचार भेजते रहते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा आप कहेंगे जो स्रोत कहे हमारे यहाँ, जिन्हें हमारे संवाददाता वगैरह लाते हैं, वो स्रोत तो जहाँ समाचार बनते हैं, बनते कहाँ हैं, हमारे यहाँ समाचार अगर आप कहेंगे पुलिस स्टेशन, कहीं मारपीट हो, झगड़े हों, और कुछ हो, जो भी हमारे पास समाचार इस तरह के बनेंगे, लोग कहाँ भागेंगे, पुलिस स्टेशन। अगर कहीं मारपीट या दुर्घटना कुछ भी इस तरह की हुई तब लोग कहाँ भागेंगे, हॉस्पिटल। इसलिए हमें समाचार के जो हमारे केंद्र हैं, जहाँ से हमें समाचार मिलते हैं इस तरह के, वो समाचारों को आप कहेंगे तो हमारे पास या तो पुलिस स्टेशन इस तरह का, ज़्यादातर आपराधिक वगैरह वगैरह इसमें या तो पुलिस स्टेशन या फिर हमारे पास जो हॉस्पिटल हैं वो। अगर इससे आगे जाएंगे तो ये लोग अगर झगड़ेंगे, कहीं भी कुछ होगा, तो फिर ये कोर्ट कचहरी में जाएंगे। इसलिए जो कोर्ट कचहरियाँ हैं वो भी हमारे इस तरह के समाचारों के केंद्र हैं, वहाँ से हमें इस तरह के समाचार मिलेंगे। हमारे पास अगर राजनीतिक संदर्भ हैं तो राजनीतिक संदर्भ हमारे जो भी हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभाएँ हैं, या फिर हमारी जो संसद है, या फिर हमारे जो नेता लोग हैं, जो भी मंत्री लोग हैं, जो भी हमारे पास उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी या फिर पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, ये जहाँ भी कहीं भी कोई भी बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं, चूँकि कहीं ना कहीं नीति की बात आ जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में ना हो, सत्ता पक्ष में नहीं तो पार्टी पक्ष की बात आ जाती है। इसलिए यहाँ कहीं ये कुछ भी कहते हैं वो सारे के सारे न्यूज़ बन जाते हैं। या फिर आप कहेंगे जो भी हमारे पास, चाहे वो फिल्म जगत है, चाहे उद्योग जगत है, जितने भी हमारे पास प्रयोजनमूलक फील्ड हैं, इन फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हस्तियाँ हैं, जो घराने हैं, अगर ये भी कोई भी बात करते हैं तो वो भी कहीं की न्यूज़ बन जाती है, ये संदर्भ। या फिर हमारे पास जो रिसर्च का तकाजा है, कितनी सारी चीज़ें पैदा होती हैं, वो सारा का सारा संदर्भ है उनके संदर्भ। या फिर हमारे पास कोई विपत्ति आती है, चाहे वो आसपास के हमारे अपने पड़ोसी देशों से संबंधित हो, या फिर हमारे देश के अंदर ही जुड़े हुए कुछ तत्व हैं उन तत्वों से संबंधित हो, ये सारी की सारी जब कुछ इस तरह की घटनाएँ होती हैं, ये घटनाएँ सारी की सारी कहीं ना कहीं जो कहीं भी घटी, लेकिन उन घटी हुई घटनाओं की जानकारी चूँकि हर एक व्यक्ति चाहता है, इसलिए हमारे पास जो मीडिया है, ये मीडिया अपने समाचारों के माध्यम से इन जानकारियों को एक न्यूज स्टोरी बना करके परोसता रहता है। ये जो संदर्भ और ये सारे के सारे संदर्भ हमारे यहाँ समाचारों में आते रहते हैं। समाचारों का जो संदर्भ है, प्रिंट के जो समाचार हैं, प्रिंट मीडिया के, यहाँ चूँकि देखेंगे कि जो संदर्भ है आप छपा हुआ है, अगर छपा हुआ संदर्भ है आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, दस बार पढ़िए, और कई बार तो अगर संपादकीय पन्ना उठाएंगे वहाँ जो भी कुछ है उसमें यह है कि दिन में अगर नहीं समय है रात को पढ़िए, समाचार पत्र आपके पास है, अगर आपका खरीदा हुआ या घर मंगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कल भी पढ़ सकते हैं, परसों भी। लेकिन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, वहाँ जो समाचार हैं वहाँ चूँकि दृश्य भी है और वहाँ शब्द भी हैं, इसलिए चूँकि आपकी दोनों इंद्रिय एक साथ काम कर रही होंगी, किसी समाचार पत्र को जब आप पढ़ते हैं तब केवल आप उसे चक्षुग्राह्य करते हैं, लेकिन जब किसी मीडिया जिसे आप कहेंगे, अगर आपका दूरदर्शन है तब दूरदर्शन में दोनों ही हैं, दृश्य शब्द भी दोनों ही हैं, आप देखते भी हैं, आप सुनते भी हैं। इसलिए यहाँ जो चित्र है वो चित्र बड़ा काम करता है, जो हाव हाव होते हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, जो कहने का ढंग होता है, वो जो कहने का ढंग है कई बार अर्थ के अन्वय में बहुत सहायता करता है। अगर लिखी हुई चीज़ को आप पढ़ना चाहेंगे तो वही जो कहने में वक्ता जो रुक रुक करके बोल रहा है या उसका रुकना जो अर्थपूर्ण है वो आपको वहाँ विराम चिन्हों के माध्यम से समझना होगा, जो विराम चिन्ह है उन विराम चिन्हों को समझना होगा और उसके माध्यम से उसके अर्थ तक जाना होगा। लेकिन अगर आप आकाशवाणी के संदर्भ में जाएंगे, आकाशवाणी से आप समाचार सुन रहे हैं, तब ये है केवल आपकी सर्वेंद्रिय काम कर रही है और सर्वेंद्रिय है उसके माध्यम से ही, केवल आपको अपने कानों के माध्यम से ही मस्तिष्क को एक साथ, मस्तिष्क को बिल्कुल उस न्यूज पर केंद्रित करते हुए सुनना है। अगर बीच में कोई भी किसी भी तरह का अवरोध आ गया, चाहे वो ट्रांजिस्टर की तरफ से हो या फिर बाहे कोई अवरोध हो, जोर से आवाज़ आए, बिजली कौंधे और कुछ हो, जोर से कोई मोटर या कोई व्हीकल निकले बाहर से, अगर आवाज़ आए तो बीच में वही कहीं ना कहीं अवरोध हो जाएगा। इसलिए अंदर और बाहर दोनों के अवरोध हो सकते हैं, जो कई बार केवल जो कर्णग्राह हैं वो कर्णग्राह कई बार, या फिर हो सकता है कि जो न्यूज़ पढ़ रहा है उस न्यूज़ पढ़ने वाले का उच्चारण सही नहीं है, या फिर हो सकता है कि जो न्यूज़ सुन रहा है उसके अपने कान हैं वो कान थोड़े से क्षतिपूर्ण हैं, इसलिए वो जो उसका जो कहना है जिस तरह से स्ट्रेस से वो दे रहा है
वो सही नहीं, या फिर हो सकता है कि जो 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 भी ट्रांजिस्टर उसके पास है ट्रांजिस्टर की बैटरी कम है या फिर कहीं ना कहीं कुछ खराबी है उसमें सर सर की आवाज़ आ रही है, तब भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो मीडिया, ये दूरदर्शन है, ये दूरदर्शन हमारा जो मीडिया है, ये मीडिया जो समाचारों को दिखाता तो है लेकिन समाचारों को दिखाने के साथ जो घटना होती है उस घटना को कई बार लाइव भी बता देता है। आपने देखा होगा कई बार रेलवे वगैरह का कोई एक्सीडेंट कुछ भी हुआ और उस पर समाचार तो आ रहे हैं लेकिन वहाँ का दृश्य भी आप देख रहे हैं, और दृश्य ही नहीं बल्कि वहाँ जो भी कुछ राहत कार्य चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उसे भी आप देखते हैं। इसलिए वहाँ है क्या कि यहाँ केवल कानों सुनी नहीं है, आँखों देखी भी साथ हो जाती है, और जो जो दूरदर्शन है वो दूरदर्शन अपने समाचार से माध्यम से सचमुच उस जगह जाकर खड़ा कर देता है। इसलिए आपकी जो भावनाएं वो भावनाएं भी वहां तक जुड़ जाती हैं। इसलिए बार बार आप उस संदर्भ में और जानना चाहते हैं, और जो और जानने का जो जो संदर्भ है, ये संदर्भ कहीं ना कहीं जो भी दर्शक है उस दर्शक को उस घटना से और ज़्यादा जोड़ता है, और जब ज़्यादा जोड़ता है तब हम कहेंगे जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तब होता क्या है, लोकप्रियता का जो संदर्भ है वो संदर्भ और ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हमारे पास इस समय जो भी मीडिया है उस मीडिया में जो हमारा दूरदर्शन है, दूरदर्शन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि उसके पास आँखों के लिए, आँखों को दिखाने के लिए, कानों को सुनाने के लिए, चित्र दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और उसके बाद इतना कुछ है, और दूसरा भाषा का इतना आकर्षण है कि वो आकर्षण भी लोगों को खींचता है, और इस आकर्षण के माध्यम से कई बार तो जो वहाँ प्रस्तुत करता है, उद्घोषक है, जो भी है, जो भी आप कहेंगे समाचार वहाँ जो वाचक है, वो कई बार तो इतना मशहूर हो जाता है, कई बार हम उससे समाचार सुनना चाहते हैं, कई बार तो हम उसके माध्यम से अपनी भाषा भी सुधारना चाहते हैं, और वो उसका जो कहने का ढंग है और उसके माध्यम से भाषा का फॉर्म आता है वो फॉर्म भी कई बार हमको बांधता है। इसलिए अगर समाचारों का संदर्भ लेंगे, समाचारों का, इन चारों का, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो समाचार आप कहें पत्रिका हो, या फिर अगर कोई फिल्म फेयर आप कोई ना कोई फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हैं, वहाँ जो समाचारों का संदर्भ मिलेगा वहाँ समाचारों का संदर्भ यथार्थ कम होगा, बाकी उस पर दूसरी चीज़ें बहुत सारी अंदर लीपा पोती का जो माध्यम होगा वो माध्यम सारा का सारा बहुत सारा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ग्लैमर। वो जो ग्लैमर है वो ग्लैमर वहाँ बहुत सारा हो जाएगा, और वहाँ ऐसी ऐसी बातें कुछ जिसे कहेंगे मसाला, जिसे आप मसाला कहते हैं, वहाँ पत्रिकाओं में अगर किसी एक क्षेत्र की पत्रिका लेंगे, जैसे अगर फिल्मी पत्रिका मैंने उदाहरण दिया, इसमें कहेंगे तो वह मसाला बहुत होगा, आप पढ़ तो बहुत सारे जाएंगे लेकिन उनमें जो भी आपने जो पढ़े हैं, जो भी आपको समाचार फिल्मी जगत के मिले हैं, उनके संबंध में कई बार जो यथार्थ स्थिति होगी, जो वास्तविकता होगी, वो वास्तविकता कई बार उससे अलग भी हो सकती है। लेकिन समाचारों का संदर्भ जो दूसरा है, आकाशवाणी दूरदर्शन या फिर समाचार पत्र का जो संदर्भ है, ये जो समाचार हैं ये समाचार सचमुच वस्तु स्थिति से जुड़े हुए हैं, वस्तु जगत से जुड़े हुए यथार्थ की सूचना देते हैं। अगर कहीं कुछ अलग हो तो अगले दिन उसे कहीं ना कहीं दूसरी तरह से, या जो भी संदर्भ है, जो भी कुछ परिवर्तित स्थिति है, उस परिवर्तित स्थिति में बदल देते हैं। इसलिए यहाँ समाचारों का संदर्भ कहेंगे, समाचारों के लेखन की अपनी परंपरा है, लेखन की परंपरा, और अगर हिंदी का संदर्भ कहेंगे कि अभी हिंदी का जो संदर्भ है, इस मीडिया ने हिंदी भाषा का जितना भला किया है, जितना प्रचार प्रसार किया है, उतना प्रचार प्रसार या फिर भला दूसरा नहीं, दूसरे किसी भी माध्यम ने नहीं किया है। ये जो माध्यम है, इस माध्यम ने भारत में ही क्या, भारत के कोने कोने में क्या, पूरे विश्व में हिंदी को पहुंचाया है, और जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा इसके माध्यम से अपनी जो उसकी छवि है, वो छवि जैसे यहाँ कहेंगे कौन सी, जनसंचार परक भाषा, मैं जिस भाषा की बात कर रहा हूँ वो कौन सी है, वो जनसंचार परक भाषा है। जनसंचार परक भाषा अपना एक विशिष्ट मुहावरा बनाती हुई अंग्रेजी की लीक से अनुवाद होने के बावजूद भी पूरी तरह से कटकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना चुकी है। समाचारों को जब आप देखेंगे तो समाचारों की जो आपको भाषा दिखेगी उसने बेशक अपना कंटेंट के साथ कलेवर, आप कहेंगे कंटेंट तो न्यूज़ का है लेकिन जो भाषा का जो कलेवर है, जो कहने का ढंग है, जो प्रस्तुत करने का ढंग है, जो प्रस्तुतिकरण है, इसमें कहीं से भी कुछ लिया हो लेकिन वो कहीं से भी कुछ लिया है, वो परंपरा उसकी अपनी बन गई है। अगर आप समाचार पत्रों के ही दूसरे पन्ने थोड़े से पलटें, तब जैसे मैंने कहा कि समाचार पत्र में भाषा का आपको एक रूप नहीं मिलेगा बल्कि भाषा के वहाँ फॉर्म दूसरे मिलेंगे। एक तो समाचारों का फॉर्म है, समाचारों का भाषा रूप है, उसके बाद आपको जो समाचार मिलेंगे वो भी वहाँ प्रयोजन मूलकता अलग अलग संदर्भ में होगी। इसलिए जब समाचार के रूप में आएंगे तब यहाँ जनमानस है, वो जनमानस के अनुरूप भाषा का प्रयोग है, जिसे हम आम आदमी की भाषा कह सकते हैं। आम आदमी की भाषा भी प्रचलन के स्तर पर प्रयोजन मूलकता उसमें होगी, पारिभाषिकता उसमें होगी, शब्द होंगे लेकिन वो शब्द क्या है, रोज प्रयुक्त होते 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 लोगों तक, जनता तक, जनता तक वो पहुंच जाते हैं, इसलिए जनता के वो आम शब्द बन जाते हैं, बेशक वो पारिभाषिक शब्द हों। आप कहें संसद के
दोनों सदन स्थगित हुए। अब आप स्थगित कहें, स्थगित या फिर के सदन कहें या संसद कहें, चूंकि हैं तो पारिभाषिक शब्द, लेकिन चूंकि ये बार 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 समाचारों के माध्यम से आम जनता के कानों तक आंखों तक पहुंचते हैं, उसके मस्तिष्क में अपनी जगह बनाते हैं, इसलिए शब्द धीमे धीमे प्रचलित शब्द हो जाते हैं। बेशक ये पारिभाषिक शब्द हैं, चूंकि ये जो मीडिया है, मीडिया भाषा, मीडिया की भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, ये आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाता है, इसलिए दूसरे जो प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं जिनकी अपनी बनी हुई परंपरा या बनी हुई सीमाएं हैं, उस सीमाओं को ये तोड़ता है। जैसे मैंने कहा प्रशासनिक भाषा है, जब कोई व्यक्ति कार्यालय में जाएगा, कार्यालय का जो समय है, उस कार्यालय के समय में जब वो अपनी मेज पर बैठेगा, उस मेज पर जब फाइलें आएंगी, उन फाइलों में टिप्पणियां लिखेगा, इसलिए जब टिप्पणियां लिखेगा तब टिप्पणियों में प्रयुक्त जो भाषा है, जो भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी जब टिप्पणियां कलम से लिखेंगे, अब जो भी फाइल का जो टिप्पणी का टिप्पणी लिखने का जो संदर्भ है उसमें एक तरफ, तब होगा उनकी अपनी भाषा उस समय आएगी। बाकी अगर वो चिट्ठी बाहर लिखने घर लिखने बैठेंगे तब वहाँ वो संदर्भ नहीं होगा। उसके बाद जो भी पत्र लिखे जाएंगे वो संदर्भ, वो संदर्भ एक सीमित संदर्भ है, लेकिन ये संदर्भ क्या है, लोगों तक अपनी, वो संदर्भ पहुँचाता है लोगों तक लेकिन सीमित लोगों तक, लेकिन ये संदर्भ है वो विस्तृत लोगों तक पहुँच अपनी बनाता है। समाचार पत्र के दूसरे पन्ने जैसे खोलें आप तो वहाँ आपको समाचार जो भी मिलेंगे, समाचार मिलेंगे, विज्ञापन की भाषा मैंने कहा है, विज्ञापन लगातार है। उसके बाद अगर एक लिस्ट गिना दें, केवल लिस्ट एक गिना दें, उस लिस्ट में आप आगे जब बढ़ेंगे तब आपको बीच का पन्ना जो मिलेगा वो संपादकीय पन्ना है। संपादकीय पन्ने की जो भाषा आपको दिखेगी वो साहित्यिक भाषा के बहुत नज़दीक है, उसमें लेख होंगे, लेख होंगे, या फिर जो संपादकीय है वो संपादकीय भी उस दिन की जो कोई महत्वपूर्ण घटना है उस घटना पर उस समाचार पत्र के अपने विचार होंगे। समाचार पत्र के कहा तो आप कह सकते हैं समाचार पत्र का जो संपादक मंडल है उस संपादक मंडल के, या फिर समाचार पत्र के नीतिगत विचार हैं जो भी हैं, वो समाचार पत्र है उस विषय पर क्या सोचता है उस दिन, वो सारे के सारे तर्क वहाँ आएंगे संपादकीय में, और उसके बीच में कितने सारे लेख होंगे। हालांकि ये जो पन्ना है, ये पन्ना बड़ा ही आप कह सकते हैं है तो विशिष्ट पन्ना, लेकिन इस पन्ने को पढ़ने वाले बहुत कम हैं, चूँकि पन्ना बड़ा गंभीर पन्ना है। इस पन्ने पर जो विचार होते हैं वो विचार कहीं ना कहीं साहित्यिक हैं, धार्मिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, और ये जो विचार हैं ये विचार थोड़े गहन होते हैं, इनमें समाचार उस तरह के नहीं होते, केवल आपने पढ़ा और इतना जाना कहाँ क्या कब कैसे हुआ और जो भी कुछ हुआ उसके संदर्भ में आगे क्या कार्रवाई हुई, या फिर कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के संदर्भ में अगर कुछ है, कुछ आया तब आप उससे परिचित होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आप कहेंगे ये क्या बहुत गहन है, गहन पन्ना है, आप इसे कहेंगे ये ज्ञान का पन्ना है, ये ज्ञानवान पन्ना है। और सचमुच समाचार पत्र अगर सूचनाओं के अतिरिक्त ज्ञान देता है तो ज्ञान इसी पन्ने से देता है, जिसे हम संपादकीय पन्ना कहते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए समाचार भी आपको मिलते चले जाएंगे, और उसके बाद आपको समाचारों के साथ साथ विज्ञापन भी मिलते जाएंगे। कई बार समाचार विज्ञापनों पर भारी कम होंगे लेकिन विज्ञापन समाचारों पर भारी ज़्यादा हो जाएंगे। मेरा मतलब है समाचार पत्र का पन्ना अगर फीते से आप नापें तब उसमें समाचार कितने प्रतिशत जगह घेरते हैं और जो विज्ञापन है वो विज्ञापन कितने प्रतिशत जगह घेरते हैं। अगर विज्ञापन की भाषा को भी आप देखते जाएंगे तो सचमुच वहाँ जो विज्ञापन की भाषा है वो भी क्या है, वो भी साहित्यिकता का पुट लिए हुए है, क्योंकि उसमें क्या है, अतिशयोक्ति है, आकर्षण है, और कई बार क्या है जो वस्तु है, विज्ञापित वस्तु है, उस विज्ञापित वस्तु को जिस व्यक्ति के हाथ में वो वस्तु पकड़ा दी है या जिस व्यक्ति के माध्यम से उस वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, उस व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व वस्तु के साथ जुड़ करके वस्तु को लोगों में पहुंचाकर लोगों को उस वस्तु को खरीदने के प्रति लालायित करता है, कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। इसलिए वस्तु के प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो वस्तु, उसकी पैकिंग, वस्तु को प्रस्तुत करने वाले और वस्तु के प्रस्तुत करने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल होता है, वो जो भाषा का इस्तेमाल है, वो भाषा का इस्तेमाल लोगों को बरबस आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ जो समाचार पत्र अगर आप लेंगे तो समाचार पत्र में एक फोटो होगा, वस्तु होगी और थोड़े से शब्द होंगे। वो शब्द हैं आप पढ़िए, वस्तु देखिए, और उसके बाद आपको उस वस्तु के संदर्भ में या उसके गुणधर्म में या जिस तरह से भी वो वस्तु आपको आकर्षित कर रही है उस वस्तु को खरीदने के लिए आप लालायित होंगे। लेकिन अगर आप मीडिया में आगे जाएं, आकाशवाणी केवल आपके कानों तक अपनी पहुंच बना रही, कानों के माध्यम से आप तक अपनी पहुंच बना रही है, इसलिए उसकी जो पहुंच है वो पहुंच थोड़ी सीमित पहुंच है, बहुत यानी अगर आप दूरदर्शन के संदर्भ में कहेंगे तो वो जो पहुंच उसकी है भाषा के माध्यम से, मात्र जो इसे कहेंगे उच्चरित शब्द, जो स्पोकन वर्ड्स हैं, उच्चरित शब्द हैं, केवल उच्चरित शब्द के माध्यम से व्यक्ति तक वो वस्तुएं विज्ञापन का एक जरिया लेकर के पहुंच बनाएंगी। लेकिन जैसे ही आप दूरदर्शन तक जाते हैं, दूरदर्शन या फिल्म या यहाँ जो भी जिसे हम ऑडियो विजुअल कह रहे हैं, जैसे हम दृश्य श्रव्य के माध्यम से जाते हैं, तब क्या होता है, उस वस्तु के संदर्भ में
जो आकर्षण है वो आकर्षण कई गुना हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो चित्र हैं चित्र बड़े मनोरम, और चूँकि सामने बिल्कुल सारा का सारा लाइव दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, उससे जुड़ी जो भी गुण विशेषताएँ जो भी कुछ है वो सारी की सारी और ज़्यादा आकर्षित रूप में आ रही हैं। इसलिए यह क्या है, दूरदर्शन के जो विज्ञापन हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, सबसे ज़्यादा खींचते हैं, या फिर जो व्यवसाय या व्यापार है उस व्यापार को आगे जो भी उसके उत्पाद हैं उन उत्पादों को बाजार में रख कर लोगों तक पहुँचाने, लोगों को उसकी ओर लालायित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कारण ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ बड़े ही, अगर आप दूसरे और पन्ने लें, चूंकि मैं तीनों को साथ साथ समेटता जा रहा हूँ, आपको वहाँ खेलकूद का आएगा, खेलकूद चाहे आप समाचार पत्र में देखें, कई बार कुछ गेम हो, अभी कॉमनवेल्थ गेम गए, अभी गेम्स हुए, अभी आप देखेंगे हमारे दो दो तीन तीन पन्ने एक साथ रंगे हुए थे समाचारों के माध्यम से। सामान्यतः आप देखेंगे एक पन्ना तो हर एक में होगा ही, अगर आप उससे पहले जाएंगे तो आपको शेयर मार्केट का एक पन्ना मिल जाएगा, बाजार भाव का एक पन्ना मिल जाएगा, विज्ञापन सब जगह होंगे। अगर आप दूरदर्शन पर जाएंगे तो दूरदर्शन पर तो आजकल हर एक संदर्भ में अपने समाचार हैं, आप जानते हैं न्यूज़ के अपने चैनल हैं, पूरे पूरे दिन वो पूरे आप कहें कि वो लगातार न्यूज़ ही परोसते हैं, लगातार न्यूज़ ही दिखाते हैं। इसलिए अगर भाषा का संदर्भ कहें तो भाषा का संदर्भ इस क्षेत्र में बड़ा व्यापक हो गया है। खैर, प्रयोजनमूलक हिंदी ने जो भी मीडिया है, जनसंचार है, जनसंचार के माध्यम से अपना अपने आप को इतना विस्तृत किया है कि हिंदी भाषा इन क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक व्यवसाय भाषा बन गई है, और लोगों को अपनी ओर भाषा के माध्यम से आकर्षित करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, जो पाठ्यक्रम पत्रकारिता का प्रशिक्षण देते हैं, और लोगों को इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। जो प्रयोजनमूलक भाषा है, ये प्रयोजनमूलक भाषा या तो व्यवहार की वस्तु है, प्रयोग की वस्तु है, या फिर कहेंगे प्रशिक्षण की वस्तु है, या फिर इसको करते करते अनुभव के माध्यम से सीखा जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से काफ़ी कुछ अर्जन किया जा सकता है। आज अगर आप कहें कि काफ़ी कुछ जो कमाई है ये प्रयोजनमूलक भाषा क्षेत्रों में जाकर के होती है। आजकल आप देखेंगे कोई भी फिल्म आए किसी भी भाषा में हो, उसका अपनी भाषाओं में डबिंग हो जाता है, फिल्म वही रहती है, केवल ध्वनि आप कहेंगे बदल जाती है, और इसके माध्यम से आजकल जबरदस्त कमाई हो रही है। ये जो मीडिया का क्षेत्र है, ये अनुवादकों के लिए, डबिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, पटकथा लिखने के लिए या फिर संवाद लिखने के लिए या पत्रकार से जुड़ने के लिए, ये क्षेत्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहार के लिए भी बड़ा अच्छा है, पैसे की कमाई भी इस क्षेत्र में जबरदस्त है। इसलिए लोग या फिर जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो क्षेत्र में आकर्षित हों, भाषा को भी थोड़ा शुद्ध रखें, और धीमे धीमे उस क्षेत्र में जो प्रयुक्त भाषा है उस प्रयुक्त भाषा